बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीडशेड के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इरफान, और आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 9 प्रिज्म पर। डीएचए फेज 9 प्रिज्म पर हमारी पहली एक वीडियो जो जैन अली के साहब के साथ थी, और आज दूसरी वीडियो जो है डीएचए 9 प्रिज्म पर ही शिराज अंसारी साहब के साथ है। ये भी लीडशेड में एज एन एजेंट काम करते हैं। इनके जो लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर इनकी जितनी प्रॉपर्टीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, और साथ में हम जो है ना इनसे डिस्कस करेंगे आज डीएचए फेज 9 प्रिज्म पर कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो बहुत ज्यादा हॉट हैं, और ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, और ये भी बताएंगे कौन से ब्लॉग्स जो है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। जी शिराज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शिराज आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज सबसे पहले हमारे व्यूज को बताएं कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में कितने ब्लॉग्स हैं? डीएचए फेज 9 प्रिज्म में ए टू आर तक हैं सर। ठीक है सर, ए टू आर है, और इसमें आई और ओ एक्सेप्ट होगा। अगर आएंगे भी तो जिस तरह ही फेजेस में डीएचए में जितने भी फेजेस हैं उसमें आई और ओ नहीं होता। अच्छा शिराज, इसमें फाइल्स अवेलेबल हैं कि नहीं? फाइल्स अवेलेबल हैं, इसमें आप ले सकते हैं 5 मरला 10 मरला 1 नाल। अच्छा जी, 5 मरला 10 मरला और 1 नाल की फाइल्स अवेलेबल हैं सर। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, अगर लीड स्टेट पर कोई कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, तो वो कैसे आप उसको हैंडल, कौन सी जगह पे उसको इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे? बल्कि पहले तो आप अवेलेबिलिटी बता दें कि कौन से ब्लॉक्स में आपके पास अवेलेबिलिटी है। वो तो सर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना, क्लाइंट क्या चाहता है हमसे, 5 मरला चाहता है, 10 मरला चाहता है, 1 नाल चाहता है, और किस ब्लॉक में इंटरेस्टेड है, और क्या रेट है, और क्या बजट है उसका। जैसे कि शराज साहब बता रहे हैं कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम करते हैं, और किसी भी ब्लॉक में जो भी इसकी इनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो बता देंगे कि आप किस ब्लॉक में आप इन्वेस्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा शराज, दूसरा सवाल है कि आप जो बेस्ट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ब्लॉक हैं? कमर्शियल सर ओवल बेहतर है। ठीक है, जोन 1 बेहतर है। ओवल जोन 1। अच्छा सर, ओवल और जोन 1 में क्या प्राइसेस चल रही हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचए ने कौन सी कटिंग यहाँ पे रखी हुई है? यहाँ पे जो जोन 1 है उसमें 8 मरला की कटिंग और 4 मरला की कटिंग है, और आप ओवल की तरफ जाते हैं तो ओवल में 4 मरला की कटिंग है, इनर और आउटर है। ओवल में 4 मरला की कटिंग है, तो ओवल में क्या प्राइसेस चल रही है? ओवल में चल रही है 4.5 से शुरू होती है और 5.25 करोड़ तक जाती है। ठीक है, और जोन में जो आपने बताई, जोन 1 में 8 मरला की जो कटिंग है वहाँ पर 8.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का रेट है। जी, जैसे कि शिराज अंसारी साहब आपको इनके प्राइसेस बता रहे थे, प्राइसेस प्रॉपर्टी की अप एंड डाउन होती नहीं, आप ही जा रही होती हैं, तो इसमें जो है एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, मे बी और भी ऊपर चली जाए। अच्छा सर, यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ब्लॉक्स बहुत अच्छे? रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट ज्यादा अच्छे हैं ए क्यू पी, ये पहले ब्लॉक है जो मेन एड्रेस है इनकी, और मे बी डीएचए ने अनाउंस भी किया कि इनको साल में पोजीशन भी दे देंगे, और तकरीबन ये काफ़ी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई गांव है और ना ही कोई इनकी ड्रॉबैक है कोई। जी, गांव ना होने की वजह से कोई ड्रॉबैक नहीं है। और सर ये भी बताते जाए इनके इनके अंदर कौन कितनी है, जो कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, 4, 5, 8, 12 किस तरह चल रहा है ये? इसमें जो ए क्यू पी है इसमें 1 नाल की कटिंग है। 1 नाल की कटिंग, ठीक है। ए में 2 नाल भी कटिंग है, वो नए मैप दिए इन्होंने अभी, 2 नाल 150 फीट रोड के ऊपर। जी सर, और क्यू ब्लॉक में 5 मरला भी कटिंग है, 10 मरला की भी कटिंग है, और 1 नाल की भी कटिंग है। अच्छा सर, क्यू ब्लॉक के ऊपर पहले बात कर लेते, 5 मरला 10 मरला की कटिंग के बारे में, 5 मरला की क्या रेट? 5 मरला का रेट है वहाँ पे 65 का रेट है, और 65 डिमांड होती है, लेकिन फर्दर कोई 62-63 तक। 10 मरला का क्यू ब्लॉक में, 10 मरला क्यू ब्लॉक में तकरीबन आपका कोई 1 करोड़ का। जी सर, इसी तरह बाकी जो ब्लॉक्स में 1 नाल और 2 नाल की प्राइसेस बता दें। जो 1 नाल की प्राइस चल रही है ए और पी में, जी जी, वो तकरीबन चल रही है आप कह सकते हैं 140 से शुरू होता है, 2 करोड़ तक जाता है। जी, जैसे कि आपको प्राइसेस के बारे में बता रहे थे शिराज अंसारी साहब, और शिराज ये भी बताते जाए कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन से कनेक्टिंग वेज हैं, यानी कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म को कौन कौन से रास्ते आगे कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है दूसरे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हों इन्वेस्टमेंट करने। पहले तो इससे सबसे बड़ा पॉइंट व्यू है इसका रिंग रोड है। जी, रिंग रोड से इसको डायरेक्ट अप्रोच है, रिंग रोड से भी रास्ता है, मेन फिरोजपुर रोड से भी रास्ता है इसको, और आप मेन बेदिया रोड से भी जा सकते हैं, सुईगा सोसाइटी से भी इसको रास्ता है, ठीक है, और आपका ये फेज 5 एक्सटेंशन से भी इसको रास्ता है, ठीक है, और ये एक्सट्री 11 से भी इसको रास्ता है। जी, जैसे कि शिराज अंसारी साहब आपको
यहाँ पे डिफरेंट उनके कनेक्टिंग वेज बता रहे थे जो कि डी एच ए पेज 9 को बाकियों से मुनफरद करते हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अभी लो ही चल रही है, कोई इतने खास प्राइसेस नहीं चल रही जैसे ये बता रहे हैं। आप ये इनके साथ कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इनका नंबर जो है लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। सर ये एक और बात बताएं कि आप अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अच्छी रहेगी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। अच्छा सर यहाँ पे एक और भी हमारे व्यूअर्स को जाते जाते एक ब्लॉक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें और एक ही ब्लॉक जो है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि कौन सा बेस्ट। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जोन 1 में कमर्शियल परचेज करें वो बेहतर है जी, जोन 1 में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यू ब्लॉक बेहतर है जी, जैसे कि सर बता रहे थे कि जोन 1 में आप इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्यू 1 में क्यू जो ब्लॉक है उसमें आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करें। सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे कि अगर कोई क्लाइंट या कस्टमर या व्यूअर्स आपसे रब्ता करना चाहिए तो एक तो आप अपना नंबर भी साथ डिस्कस बयान कर दें और दूसरा इनको बता दें कि लीडरशिप की वेबसाइट पर आपका जो है ना पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उसके बारे में जरूर बता दें। मेरा नाम शिराज है, मेरा सेल नंबर है 0323 044 0509 जी। जैसे शराज साहब आपको डिस्कस कर रहे थे अपना नंबर भी इन्होंने बता दिया, आप DHA9 प्लाजा में आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई इशू है और आप परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या आप रेंट पे देना चाहते हैं किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को, तो आप शराज से रब्ता कर सकते हैं। शराज की जितनी प्रॉपर्टीज हैं आपको लीड स्टेट की एक्चुअल वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके लिंक पर क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो भी इनके पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर लें, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, और हमारे इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, और हमारे लीड स्टेट के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक ट्विटर और लिंक्डइन और जो है इनको भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो है ना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।